हेलो एवरीवन, मायसेल्फ सागर आनंद, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एट मोमेंटम छात्र संघ चौक गोरखपुर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एम स्टार पेपर व्हिच वाज हेल्ड ऑन 19th ऑफ दिसंबर 2021। डियर स्टूडेंट्स, दिस पेपर इज ऑफ क्लास 9th एंड आई एम डिस्कसिंग द फिजिक्स पार्ट। सो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन वन वॉज अ ग्रेनेड हैविंग मास ऑफ 10 kg फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 m/s एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स। एक बॉम्ब है, एक ग्रेनेड है जिसका मास 10 केजी है। ये हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है कितनी रफ्तार से? 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ये दो पार्ट में टूट जाता है। द स्मॉलर द लार्जर फ्रैगमेंट हैज अ वेलोसिटी 25 m/s इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ग्रेनेड एंड द स्मॉलर फ्रैगमेंट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 12.5 m/s इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो व्हाट आर द मासेस? तो हम मान लेते हैं कि छोटा वाला जो मास है या जो बड़ा मास है उसका मास x है। इसकी रफ्तार कितनी हो गई? 25 m/s। और जो छोटा वाला मास है उसका मास कितना हो जाएगा? 10 - x। और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है रफ्तार 12.5 m/s से। दोनों मासेस की वैल्यूज निकालनी है। ये क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। हमें पता है कि अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। सो लेट अस अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना था? 10 × 10। फाइनल मोमेंटम अगर लिखा जाए तो 25 × x। x हमने लार्जर फ्रैगमेंट का मास माना है। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो 12.5 × 10 - x। अब अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 6 kg। तो जो लार्जर मास है, लार्जर फ्रैगमेंट है, उसका मास कितना आया? 6 kg। तो जो स्मॉलर फ्रैगमेंट है वो कितना आएगा? 4 kg, 10 - x। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 kg and 6 kg। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, इंपल्स हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ। इंपल्स आवेग, इसकी यूनिट इन चार क्वांटिटीज में से किसकी यूनिट के जैसी है? पावर। पावर क्या चीज होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट इज जूल पर सेकेंड या वॉट होती है इसकी यूनिट। एनर्जी क्या है? जूल। वर्क, इसकी भी एनर्जी क्या है? वर्क क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसकी भी यूनिट क्या है? जूल। चौथा ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम। हमें पता है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और आपने पढ़ा होगा दैट इंपल्स क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी, दैट इज इंपल्स। दैट इज इंपल्स, एफ इंटू डेल्टा टी, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या एफ इंटू डेल्टा टी डेल्टा पी के बराबर हो गया? और चेंज इन मोमेंटम की भी यूनिट वही होगी जो मोमेंटम की यूनिट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लीनियर मोमेंटम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 60 N। इफ मैन जंप्स आउटसाइड फ्रॉम द स्प्रिंग बैलेंस देन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल। मान लिया हम स्प्रिंग बैलेंस पर खड़े हैं, हम वहां से जंप कर रहे हैं। अगर हम कभी भी जंप करते हैं तो क्या हम जमीन को पहले थोड़ा सा प्रेस करते हैं उसके बाद जंप करते हैं? है कि नहीं? तो अभी अगर वो नॉर्मली खड़ा था तो रीडिंग आ रही थी 60 N। अगर उसने थोड़ा सा प्रेस किया, जंप करने से पहले थोड़ा सा प्रेस किया, तो क्या रीडिंग 60 से बढ़ गई? और जब जंप कर गया तो कॉन्टैक्ट से छूट गया तो क्या रीडिंग घट गई? तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट इंक्रीज देन बिकम्स 0। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट इंक्रीज
then becomes 0. Question number 4. When a force of 250 Newton acts on a body, the linear momentum acquired by it is 125 kg meter per second, the period for which force act on the body. सवाल में कहा जा रहा है कि किसी बॉडी पर 250 न्यूटन का फोर्स एक्ट करता है. द लीनियर मोमेंटम अक्वायर्ड बाय द बॉडी इज 125 केजी मीटर पर सेकेंड. तो देखें, हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. फोर्स कितना है, 250 न्यूटन. और उसने जो मोमेंटम अक्वायर किया, मतलब वही तो है कि कितना मोमेंटम का चेंज है, जितना हम अक्वायर किए वही तो क्या है, मोमेंटम का चेंज. तो डेल्टा पी कितना दे रखा है, 125. डेल्टा टी आपसे पूछा गया है, तो देखें, डेल्टा टी इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 250. क्या आंसर इज 1/2, दैट इज 0.5 सेकेंड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्लियर. तीसरा सवाल, ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. थ्री ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर given below, tension T1 and T2 are respectively. तो देखें, क्या हमारे पास ये एक सिस्टम है, we can treat it as a system. इस सिस्टम का अगर आप मास देखें, यहां पर यह T1 है और यह T2 है. अगर हम इस सिस्टम का टोटल मास देखें तो यह हो गया 20 kg, और इस सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 100 न्यूटन इस तरफ और 20 न्यूटन इस तरफ. टेंशन यहां पर काम करेगा एज एन इंटरनल फोर्स, और हमें पता है दैट इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा क्या हो जाता है, 0. ठीक है, तो क्या हम इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज 100 एंड -20, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है, 20. तो आंसर कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. अब पूछा गया कि T1 और T2 बताओ, तो किसी एक ब्लॉक को देख लेते हैं. मान लेते हैं इस 10 केजी को देखते हैं. इस 10 केजी पर आप देखें तो 100 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक टेंशन T2 इस तरफ लग रहा है. Yes or no? और एक्सेलरेशन कितना है, जितना सिस्टम का है. एक्सेलरेशन इज व्हाट, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. सो नेट फोर्स विल बी 100 -T2 इज इक्वल टू 10 इंटू ए. ए का वैल्यू है 4. तो यहां से T2 कितना निकल करके आ गया, 60 न्यूटन. ठीक है, कितना आ गया, 60 न्यूटन. और अगर इसी तरीके से इस 3 kg वाले को देखा जाए तो इस पर एक फोर्स इस तरफ 20 न्यूटन लग रहा है और एक दूसरा फोर्स इस तरह आगे की तरफ T1 लग रहा है, और एक्सेलरेशन कितना है, 4. तो देखें, T1 -20 इज इक्वल टू 3 × 4. सो T1 कम्स आउट टू बी 32 न्यूटन. सो T1 का वैल्यू है 32 न्यूटन. T1 का वैल्यू निकल करके आया 32 न्यूटन, और T2 का वैल्यू निकल करके आया कितना, 60 न्यूटन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. ठीक है ना, ओके. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. सवाल नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ
represent the motion of a body moving along a straight line under constant acceleration. अगर constant acceleration से body move कर रही है, तो जरा बताएं velocity और time के बीच में क्या relation आएगा? V is equal to u plus at. ये equation आपने पढ़ी होगी Newton's equation of motion में. अगर initial रफ्तार को zero मान लें, तो v बराबर at हो गया, है कि नहीं? अगर आप इस पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये एक लीनियर इक्वेशन है. वेलोसिटी और टाइम में एक ऐसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है. और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन. तो देखें इसमें से स्ट्रेट लाइन कौन सा है? डी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and has uniform acceleration 8 meter per second square, the distance traveled by it in 5th second. तो क्या आपने nth second में चली गई दूरी का formula पढ़ा होगा? Displacement in nth second, s nth, क्या formula होता है? u plus half a in bracket 2n minus 1, where n is what? जिस second में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर n की value क्या रख देनी चाहिए? 5. रेस्ट से स्टार्ट किया तो यू का वैल्यू 0, हा ए का वैल्यू कितना दे रखा है? 8, एन का वैल्यू 5 माइनस 1. सॉल्व करें इसे, ये कितना आया? 10 माइनस 1 9 और 4. द आंसर इज 36 मीटर. करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्लियर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल है सवाल नंबर 8. An object is released from some height exactly after 1 second. Another object is released from the same height. The distance between the two objects exactly after 2 seconds of the release of the second object. ठीक है, देखिए, मान लेते हैं कोई height है. यहां से एक ball आपने release की. 1 second में ये कितना गिर चुका होगा, क्या ये तुम निकाल सकते हो? 1 second में इसके द्वारा चली गई दूरी, that h is equal to ut plus half gt square से लगा हुए अगर, तो u का वैल्यू आपने 0 रखा, तो आंसर आएगा 5 meter. कितना आएगा? 5 meter. 1 second में ये ball 1 कितनी दूरी चल चुकी होगी? 5 meter नीचे यहां आ चुकी होगी ball 1. अब 1 second के बाद कह रहा है कि एक दूसरी बॉल रिलीज की, बॉल 2. पूछा गया द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली आफ्टर 2 seconds ऑफ द रिलीज ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट. इसका मतलब पहला ऑब्जेक्ट को गिरे हुए कितना टाइम हो गया? 3 second. पहले ऑब्जेक्ट को गिरे हुए कितना समय हो गया? 3 second. तो 3 second में पहला ऑब्जेक्ट एच वन कितना नीचे आ चुका होगा? इनिशियल रफ्तार 0 प्लस हाफ, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, t स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर. दिस आंसर इज 45 मीटर. ठीक, और दूसरा ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड में कितना गिरा होगा? भाई दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के गिरने के 1 सेकेंड बाद गिरा, और पूछा गया है दोनों के बीच का सेपरेशन दूसरे ऑब्जेक्ट के गिरने के 2 सेकेंड बाद. तो दूसरा ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड में कितना गिर चुका होगा? 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. कितना आ गया ये? कितना आ गया? ट्वेंटी मीटर. तो सेपरेशन दोनों के बीच की कितनी हुई? सेपरेशन दैट इज एच वन माइनस एच टू. आंसर इज 25 मीटर. मैंने यहां पर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है. अगर आप जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें, तो आपका आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन डी 24.5. इफ यू टेक, इफ जी हम ले लें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये सेपरेशन कितना आएगा? 24.5. हमने 10 लिया तो आंसर कितना आया? 25. क्लियर, आगे बढ़ते हैं. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड.
If the ball falls on the ground after 5 seconds, the height of the tower will be. Okay, देखें इस सवाल को भी दो तरीके से कर सकते हैं, स्केलर मेथड एंड वेक्टर मेथड। मैं बेसिक से चलता हूं, मान लेते हैं कि ये कोई टावर है जिसकी हाइट h है सपोज। यहां से आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, यहां से आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका कितनी रफ्तार से, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। कह रहा है कि बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड्स, द हाइट ऑफ द टावर विल बी। अगर हम इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ट्रीट कर लें, तो ये बॉल पहले ऐसे ऊपर जाएगी, उसके बाद इस तरीके से नीचे आएगी, ठीक है। अगर यहां से बॉल को फेंका गया और फाइनली बॉल यहां पर है कितने समय बाद, 5 सेकंड बाद, ध्यान से देखो क्या बॉल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। बॉल का डिस्प्लेसमेंट, अगर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमने ओरिजिन माना है और बॉल फाइनली नीचे आई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट किस बात पर डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। किस पाथ से पार्टिकल आया इस बात से कोई मतलब नहीं है। सिंपली अप्लाई करें, h इज इक्वल टू यूटी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि अब हम सभी चीजें वेक्टरली ले रहे हैं। जी हमेशा किधर काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। निकालते हैं, यू किधर लिया है, ऊपर, पॉजिटिव है 10। कितना टोटल टाइम लगा, 5 माइनस हाफ, जी का वैल्यू ले लीजिए 10, एंड टी स्क्वायर मतलब 25। दिस इज 50 माइनस दिस इज 125, आंसर इज -75। आना भी चाहिए था, माइनस क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव। तो दैट मींस द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, 75 मीटर। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगला सवाल, आखिरी सवाल है शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज अ रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी इन मोशन। रियलिस्टिक सिचुएशन कौन सी होगी, तो ध्यान से देखें, क्या ये रियलिस्टिक सिचुएशन हो सकती है, नहीं। क्या ये हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है भाई, साइन के कर्व के अकॉर्डिंगली चल रहा कोई पार्टिकल, वेलोसिटी पहले बढ़ रही है फिर घट रही फिर बढ़ रही, तो रियलिस्टिक तो है ही। यहां पर यह भी रियलिस्टिक नहीं है, बिकॉज जरा ध्यान से देखो, अगर आप यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, क्या इस कर्व को दो बार कट कर रहा है, क्या एक ही टाइम पर दो रफ्तार हो सकती है क्या, नहीं, ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी इन मोशन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज द फिजिक्स पार्ट। अब मैं पंकज सर को बुलाऊंगा जो कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत इजी था, अगर आप लोग इसको चेक करेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 आपको मिलेगा केमिस्ट्री का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोल रहा है ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस द टेम्परेचर। देखो जब ये आइस होता है, हमको पता है कि आइस है यहाँ पे और आइस मेल्ट हो रहा है, तो मेल्ट होके किसमें मेल्ट होगा, तो ये कन्वर्ट होगा H2O, मतलब लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फेज चेंज होता है, जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, याद रखना इस बात को, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस द टेम्परेचर रिमेन सेम, क्लियर है। सेकंड देखो, व्हेन ऑल आइस फ्लोटिंग इन द वाटर मेल्ट। अब देखो जैसे ये वाटर है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आइस फ्लोट कर रहा है, तो आपको कुछ पता होता है कुछ पार्ट ऊपर होता है और कुछ पार्ट नीचे, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है। उसके बाद बोला गया है द लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर, याद रखिएगा, रिमेन अनचेंज्ड,
क्लियर है, ये आपको फिजिक्स में भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है ये, ठीक है। When all ice floating in the water melt, the level of water in the container remain same, वही remain unchanged. अगला देखो, easy question है. The boiling point of the sea water, आपको पता है boiling point of the sea water कितना होता है? Greater than 100 degree Celsius. और इसने किस में दिया है? Kelvin में answer दिया. तो आपको पता है कि Kelvin में convert करने के लिए 273 में 100 अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 373, यानी वो temperature 373 Kelvin से ज्यादा ही होना चाहिए. अब ये देखो, ये 100 और 373 ये दोनों तो एकदम सेम ही है, एक केल्विन में दिया है, एक डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी. क्लियर है? अगर आप इसको इलिमिनेट भी करते तो आपको एक ही आंसर मिलता, अगर आपको ये फैक्ट पता भी नहीं होता फिर भी, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, आप रीड करते रहो, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं. देखिए क्वेश्चन हमारे पास, लिक्विड ए बॉयल एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड लिक्विड बी बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस. दो लिक्विड है हमारे पास, एक का बॉइलिंग पॉइंट इसने देकर रखा हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस और एक का दिया 100 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद बोल रहा है कि कौन मोर वोलेटाइल है, तो मोर वोलेटाइल वो होगा, याद रखिएगा, मोर वोलेटाइल वो होगा जिसका बीपी लो होगा, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा. इस बात को याद रखिएगा. तो अब आपके सामने आंसर है कि सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा? ए. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे 12 तक. तो अभी तो इसने डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट दे दिया हुआ है. कई बार आपको कई सारे कंपाउंड दे देते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली हमको पता रहता है और हो जाता है. क्लियर है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14. अगला व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन द वाटर, वही क्वेश्चन है. व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व सी वाटर, आपको पता है सी वाटर वाले में क्या होता है? सॉल्ट. सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस उसको चेंज किया गया है. व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन द वाटर बॉइलिंग पॉइंट, ये क्लियर हो गया, आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा. क्लियर है? अगर आप इस बात को चेक करेंगे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जो आप लोग के पास ये क्वेश्चन था, ये वाला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सी वाटर. सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन या उससे ज्यादा आएगा. ठीक है, तो ये सी में, और सी वाटर में होता क्या है? सॉल्ट होता है. तो इससे ये और दोनों तो एकदम कॉन्जुगेट क्वेश्चन थे, आराम से आप लोग इसको कर गए होते हैं. ये फैक्ट का क्वेश्चन आप लोगों के. क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, व्हेन वाटर पार्टिकल कंडेंस ऑन द एयर ऑन डस्ट इट इज फॉग. आजकल फॉग बहुत ज्यादा है, आप लोग देख ही रहे हैं ठंडे का टाइम है. तो क्वेश्चन नंबर 17 एकदम फैक्ट बेसिस पे है, क्यू इक्वल टू एम एल, अगर जो आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में वहीं से आ जाता है. तो एल के बारे में इसने बोला हुआ है, लेटेंट हीट के बारे में बोला है, हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम. अच्छा याद रखना, यूनिट पे ये आंसर है. ठीक है, यूनिट बाकी लोग का कुछ अलग दिया हुआ है, लेकिन किस यूनिट में वैल्यूज क्या होती है इस बात को याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 18 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, ये तो बच्चा भी बता देगा कि एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर क्या है. हमारे पास केल्विन है, क्योंकि अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था कि चीजें केल्विन में दिख रही थी. क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी है. बोला सॉलिड स्टेट ऑफ CO2 ड्राई आइस इसको बोलते हैं. ठीक है, फैक्ट्स में ये पूछा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ यूज है उसमें भी ये बातें की जाती है. टीयर गैस है नहीं, कुकिंग गैस आपको पता है नहीं, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड से तो खाना बनाते हो नहीं. ठीक है, लाफिंग गैस है नहीं, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा ड्राई आइस. क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, रीड आप करते रहिए, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं. ठीक, देखो, व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर, व्हाई आइस जब कन्वर्ट होता है, आपको पता है कि अगर आइस है ये और ये कन्वर्ट हो रहा है किस फेज में? लिक्विड फेज में. सॉलिड से किस में जा रहा है? लिक्विड फेज में. तो क्या कर रहा होगा? अरे अपन हीट देते हैं ना इसको, तो हीट को क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा. हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी वो कन्वर्ट होगा सेकेंड फेज में. आपको पता है कि मेल्ट कैसे होता है. ठीक है, अब बायो का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे डॉक्टर भूपेन सर. ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आई थिंक 10 में 10 आपके सही हुए होंगे. ये So, hello, I am Dr. Bhupen Singh. Now, I will discussing the bio part of class 9th MSR paper. तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज, सबको पता है आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया. कह रहा है, हु डिस्कवर द सेल, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? रॉबर्ट हुक. आंसर इज ए.
कह रहा 23 क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ, आर बोला है, पहली बात आर है तो इसमें ढेर सारे ऑप्शन सही होंगे, जिसके आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन और एटीपी फॉर्मेशन, ऑल दीज आर करेक्ट कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है। तो कह रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन में एक चीज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और उसी में क्या बनता है एटीपी, तो ऑल दीज थ्री आर अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है गॉल्गी बॉडी टेक्स पार्ट इन, तो अगर गॉल्गी बॉडी टेक पार्ट किसमें कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस, फैक्ट बेस है, आप जब भी सेल ऑर्गेनल याद करेंगे तो उसके फंक्शन भी याद करेंगे, तो गॉल्गी बॉडी क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन राइबोसोम, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनल का फंक्शन है, राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, जाइलम एंड फ्लोएम अकर्स इन वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल तो वैस्कुलर का मतलब वेसल्स, विच मींस कंडक्टिव टिश्यू, प्लांट में कौन सी कंडक्टिव टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम किसका कंडक्शन कर रही है वाटर का, फ्लोएम किसका कंडक्शन कर रही है फूड का, तो वेस्कुलर बंडल इसका ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है सम पार्ट ऑफ द प्लांट आर फ्लेक्सिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है कॉलेनकाइमा, जिसकी वजह से प्लांट फ्लेक्सिबल होता है, कॉलेनकाइमा हमें पता है द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा हैज डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, जो उसको क्या बना रहे हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड होने से क्या हो जाएगा, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा कॉलेनकाइमा। चलिए आगे बढ़ते, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल्स, ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमको पता है कि पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और एपिथेलियल टिश्यू में लिविंग सेल होता है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में सेल ही नहीं होता, बट उसकी जगह क्या हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, जब सेल ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली द टिश्यू विल बी डेड, तो स्क्लेरेनकाइमा इज द राइट आंसर, दैट इज इट इज अ डेड टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, वॉलेंट्री मसल का मतलब क्या होता है, ऐसी मसल जो आपके कंट्रोल में है, क्या एलिमेंट्री कैनाल आपके कंट्रोल में है, नहीं, आयरिस ऑफ आई आपके कंट्रोल में है, नहीं, क्या लंग्स आपके कंट्रोल में है, नहीं, लेकिन लिम्स, हाथ पैर आपके कंट्रोल में, आप दौड़ते भागते हैं वो आपके कंट्रोल में है, तो लिम्स आर अंडर योर कंट्रोल। कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, हम सबको पता है कार्टिलेज इज फाउंड इन नोज, यस, ईयर, यस, एंड होल ऑफ द लैरिंग्स इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज, पूरा का पूरा लैरिंग्स कार्टिलेज से बना है, तो किसमें नहीं पाया जा रहा है कार्टिलेज, किडनी में, द आंसर इज सी किडनी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अवनीश मिश्रा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट मोमेंटम छात्र संघ चौक गोरखपुर। आज हम लोग जो है एम स्टार जो 19 दिसंबर को हुआ था उसके मैथमेटिक्स पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, सो आइए देखते हैं। यहाँ पे जो 31st क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन, इसमें गिवन है कि 5/7 और 7/9 के बीच एक इरेशनल नंबर है जो इन चारों में से कौन सा है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो यहां पे सबसे पहले तो अगर हम देखें तो 5/9 का अगर डेसिमल देखें अप्रोक्सीमेट में, तो ये 0.7 के अप्रोक्स आएगा, और 7/9 की अप्रोक्सीमेट अगर देखें तो ये डेसिमल लगाएंगे 70 हो जाएगा, 9/5 = 45, 9/6 = 54, 9/7 = ठीक है, तो 0.7 के अप्रोक्स में इसका भी आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको देखना है, अगर एक डेसिमल तक और इसको हम लोग मींस यहां से क्लियर है कि ये 0.75 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रूट सिक्स की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये एक से ज्यादा आएगा। ठीक, और ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि रूट टू की वैल्यू ही 1 point something होती है, तो ये 1 से ज्यादा आ जाएगा। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऑप्शन सी है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो 31st क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 32 गिवन है कि रूट थ्री की वैल्यू जो है दैट इज 1.732 एंड रूट टू की वैल्यू गिवन है आपका 1.414। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रेशनलाइज कर लो, तो जब रेशनलाइज करेंगे तो रूट थ्री प्लस टू से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट थ्री प्लस टू
रूट टू ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका रूट थ्री माइनस रूट टू रूट थ्री प्लस रूट टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा थ्री माइनस टू। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये नीचे वन हो जाएगा, रूट थ्री की वैल्यू आप रखेंगे 1.732 प्लस 1.414, नीचे आपका कितना बचेगा वन, दोनों को ऐड कर लीजिए 426 134 4711 11 1 1 2 1 3, तो 3.146 ऑप्शन बी आपका है, तो 32nd क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर, लेट अस सी 33rd क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ए बी सी, तो इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करके करेंगे तो काफी आसानी से आपको आंसर दिख जाएगा। क्लियर, देखो जो पहला पॉइंट है ये कितना है 2.0, तो 2.0 एक्स एक्सिस पे होगा, तो ए 2.0 और जो बी है पॉइंट बी कितना है आपका, पॉइंट बी दिया है 6.0, तो यहां कहीं आपका हो जाएगा 6.0, ये पॉइंट बी है और जो पॉइंट सी है ये 4.6 है, मींस एक्स पे 4 वाई पे 6, यहां कहीं होगा 4.6। ठीक, तो इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल आपका बन रहा है कुछ ऐसा है और हमें ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला पता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6.0 इट्स मीन यहां से यहां तक ये टोटल डिस्टेंस 6 है और अगर ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2.0 है तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस 2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस हो जाएगा 4। ठीक, और यहां से अगर इस पे हम लोग वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो इसकी हाइट को बताएगा तो ये पॉइंट आपका ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस की वैल्यू को, तो मतलब हाइट इसकी कितनी हो गई 6, हाइट 6 हो गई, बेस कितना हो गया 4, तो एरिया का फॉर्मूला आपका क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना आया 4, हाइट कितनी आई 6, इसको डिवाइड कर लेंगे आपका तो कितना हो जाएगा आपका 12 यूनिट स्क्वायर, एरिया कितनी आ जाएगी 12 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द पॉइंट हैविंग सेम एप्सिसा एंड बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स, एप्सिसा मींस व्हाट, पहली वैल्यू, अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिखा गया है तो इसमें फर्स्ट क्या होता है एप्सिसा और सेकंड क्या होता है ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहां पे आपका जो दिया है कि पॉइंट हैविंग सेम एप्सिसा, ऐसे पॉइंट्स जिनके एप्सिसा की वैल्यू सेम हो और ऑर्डिनेट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो, तो आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, जैसे यहां से मान लो यहां तक के डिस्टेंस 3 है ये, तो इस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें तो उसमें एक्स की वैल्यू 3 ही रहेगी जबकि वाई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, यहां पे भी चलें तो एक्स की वैल्यू 3 ही रहेगी वाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो यहां पे एप्सिसा सेम है इस पॉइंट पे इस लाइन पे और ऑर्डिनेट चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यह लाइन जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी उसका एप्सिसा की वैल्यू सेम होगी और ऑर्डिनेट डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो मींस यहां पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, अलाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑप्शन सी। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए जो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया ए प्लस बी इक्वल टू डी प्लस सी, ए प्लस बी, यहां पे देखो ए ये रहा, ये ए है और ये बी है, इन दोनों का सम डी प्लस सी के इक्वल है, डी प्लस सी के, तो ये डी प्लस सी ये दोनों के इक्वल, तो ये पहला वाला सही हो सकता है, ए प्लस बी का सम डी प्लस सी के इक्वल हो सकता है, पहला कह रहा है,
दूसरा क्या कह रहा है, ए प्लस सी प्लस ई, यहां से देखिए ए और प्लस सी प्लस ई, तो ये बताओ ए का जस्ट अपोजिट में डी है, अगर मैं देखूं तो सी प्लस डी और प्लस ई ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन के हैं, ठीक है, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक, और इस डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल ए है, तो डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल ए है, तो सी प्लस ए और प्लस ई ये दोनों 180 के बराबर, यानी पहला ऑप्शन इसमें ये सेकेंड वाला सही हो गया, ठीक है। थर्ड में ये क्या कह रहे हैं, बी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस ई, बी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस ई, तो यहां पे देखो बी और एफ ये है, बी और एफ ये रहा, इन दोनों का सम और सी प्लस ई इन दोनों का सम बराबर होगा एग्जैक्टली, क्योंकि ये पूरा जो होगा आपका ये पूरा बी प्लस ए और प्लस एफ ये तीनों 180 इधर होगा, इधर अगर हम आए तो इधर में C प्लस डी प्लस ई ये भी 180 हो जाएगा आपका, C प्लस डी प्लस ई ये भी 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से और A को D के बराबर कह दो, तो यहां पे B प्लस यहां पे D भी पुट कर सकते हैं, और प्लस F इज इक्वल टू C प्लस डी प्लस ई, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा B प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस ई, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है, क्लियर। बट यहां पे फर्स्ट ऑप्शन हम नहीं कह सकते हैं कि सही है, ये वाला एंगल और ये वाले के एंगल बराबर नहीं हो सकता, यहां पे नहीं कह सकते हैं, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, ये डी है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इसमें कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू एच एफ, ए बी पैरलर टू एच एफ ये दोनों लाइन पैरलर है और डी ई एफ जी के पैरलर है, डी ई ये वाली लाइन इसके पैरलर है, तो आपको मेजर बताना है एफ डी ई का, एफ डी ई मीन्स वॉट, एफ डी ई ये वाले एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो ये एंगल 28 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 28 हो जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये दोनों पैरलर लाइन हुई और ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, क्लियर। और यहां पे देखो ये तीनों का सम मान लो ये x है, तो इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, 28 प्लस x प्लस 72 स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। यहां से अगर x की वैल्यू फाइंड करी जाए तो x इज इक्वल टू 180 और ये आपका 100 उधर जाके 100 हो जाएगा, तो माइनस 100 कर लेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, में आपको क्या दिया है कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज टू थर्ड ऑफ इटसेल्फ, देन डिटरमाइन द एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एंगल, तो हम मान लें कि एंगल क्या है आपका, एक्स है, एंगल बी एक्स, तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट हो जाएगा आपका 180 माइनस एक्स, ठीक। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एंगल है वो टू थर्ड है इसके सप्लीमेंट का, मींस ये एक्स जो है इसके सप्लीमेंट का टू थर्ड है, ठीक है, तो यहां से सप्लीमेंट कितना होगा, 180 माइनस एक्स, और ये एक्स द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल का जो सप्लीमेंट है वो टू थर्ड है किसका, एक्स का, मतलब इसमें अगर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 2x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 180 माइनस एक्स, या 2x इक्वल टू 180 3 जा कितना हो जाएगा 540 और माइनस 3x, 3x को इधर लाएंगे तो 3 और 2 कितना 5x इज इक्वल टू 540, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 108, x की वैल्यू 108 डिग्री आ जाएगी, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा, बी सही हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यहां पे गिवन है कि इफ 3 प्लस 2 रूट 3
अपॉन 3 माइनस रूट 3, ये किसके इक्वल है आपका a प्लस बी रूट 3 के। तो आपको फाइंड करना है रूट a प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और इस तरह को सॉल्व करने के लिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं। तो चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं, 3 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस रूट 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 प्लस रूट 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 का 3 रूट 3 में करा तो 3 रूट 3 मिला, और फिर 2 रूट 3 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6 रूट 3, और फिर इस 2 रूट 3 का इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 6 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ऊपर कितना हो जाएगा 9 और 6 15 और 6 और 3 प्लस 9 रूट 3 अपॉन नीचे कितना 3 3 जा 9 माइनस 3, ठीक है। तो ये मिला आपको 15 अपॉन ये 9 माइनस 3 6 कर लिया इधर, और प्लस इसको लिख सकते हैं 9 अपॉन 6 रूट 3, या इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो आपको मिलेगा 5/2, प्लस ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 3। यहां से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a प्लस बी है, तो यहां से ये जो पहला है ये a हो जाएगा और रूट 3 का जो मल्टीपल है ये कितना हो जाएगा b। हमें फाइंड क्या करना है रूट में a प्लस बी की वैल्यू, तो a कितना मिला मेरे को 5/2, 5/2 कर लिया, b कितना मिला है 3/2, 3/2 कर लिया, ठीक। तो डिनोमिनेटर सेम है ऐड कर लो तो 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, सो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा सी, 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, दिया है कि इफ द मीन ऑफ 30 नंबर्स इज 14.5, 30 नंबर का मीन 14.5 है, इफ 5.5 इज एडेड इन ईच ऑफ द नंबर देन न्यू मीन क्या हो जाएगा। से आपने मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड करते हैं ऑब्जर्वेशन में तो मीन में भी ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मीन में भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी करते हैं तो एज इट इज मीन में हो जाता है इन चारों ऑपरेशन में से। तो मीन इनिशियली कितना दिया है 14.5 दिया है, इनिशियली मीन 14.5 दिया है, ऑब्जर्वेशन में कितना ऐड करा जा रहा है 5.5, तो मीन में भी 5.5 ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 20, ठीक। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, 40 द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। किसी भी डेटा में जो डेटा आपको दिया होता है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होती है और जो लोएस्ट वैल्यू होती है ऑब्जर्वेशन, जिसको कहते हैं हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लिया मैंने लिखा है 10 टू 20 कोई क्लास, 20 टू 30, 30 टू 40 इस तरह से लिखा है, तो इसमें मिनिमम आपका क्या है, मिनिमम ऑब्जर्वेशन 10 है और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 40 है, 40 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इस डेटा का रेंज मिल जाता है। तो यहां पे हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो रेंज बताता है किसी भी स्टैटिक्स में, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40। 41 देखिए क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ वेजेस पर डे 5, 4, 7, 5 एक्सेट्रा, ये सारा दिया हुआ है। इसमें से आपसे पूछा जा रहा मोड क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि जिस किसी भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होती है वही उसका मोड होता है। तो यहां पे आप देख लो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 8 की फ्रीक्वेंसी देखो सबसे ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, तो यहां पे मोड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 80 मीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 मीटर, इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स,
तो यहां पे हमें एक डायगोनल तो पता है, एक डायगोनल पता है, दूसरा डायगोनल अगर पता चल जाए तो इसकी एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो चलो देखो, ये रहा एक रोम्बस, ठीक है, जिसमें एक डायगोनल आपको दिया है 80 और पेरीमीटर नहीं सॉरी एक डायगोनल 24 दिया है, एक डायगोनल 24 है और पैरामीटर कितना है 80, पैरामीटर 80 दिया है। तो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होता है, मींस अगर एक साइड की लेंथ ए है तो 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, देयरफॉर a इक्वल टू 20, एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 20 यूनिट, ठीक है। अब ये एक मान लो, दूसरा वाला कुछ ऐसा यहां रहा, ठीक है, हमको पता है कि रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये टोटल अगर 24 है तो ये आधा कितना हो जाएगा 12, ठीक है, और ये वाली 20 लेंथ है, ठीक है। अगर ये पता चल जाए, मान लो ये एक्स है, तो इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 20 का स्क्वायर 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या इधर वाला एक्स ले लिया, तो यहां से 20 का स्क्वायर होता है 400, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 400 माइनस 144, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 4 5 और 3 माइनस 1 कितना 2, 256, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 है तो एक्स इज इक्वल टू कितना, ये 16 का स्क्वायर होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, मींस इस डायगोनल के हाफ का लेंथ 16 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा जो है डी टू डायगोनल सेकेंड डायगोनल कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 32 और पहला वाला आपको 24 गिवेन ही है, तो एरिया निकाल लिया जाए तो a इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स 32 इंटू 24, 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको तो 2 वन जा 2 और 2 सिक्स जा 16 इंटू 24, मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 फोर जा 64, 16 टू जा 32 और 6 38, 384 यूनिट स्क्वायर, 384 यूनिट स्क्वायर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा इस रोम्बस की एरिया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन है कि इफ एवरी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल देन इंक्रीज इन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसको आप आसानी से कर सकते हो चूंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसको सिंपली आप यूं कर लो कि एक छोटा सा ट्रायंगल ले लो आप जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक, जिसमें ये 3 है और ये कितना 4 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया, ठीक है, तो इसकी एरिया अगर निकालूं तो इसकी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी 6 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी साइड को मैं डबल कर देता हूं, अगर इसकी साइड को मैं डबल कर दूं, ये 3 था तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 4 था तो कितना हो जाएगा 8, अब इसकी एरिया अगर मैं निकालूं तो a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8 6 48 का हाफ 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इंक्रीज इन एरिया पूछ रहा है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो अगर इंक्रीमेंट निकालना हो तो वो बड़े वाले में से छोटे को घटाओ तो 24 माइनस 6 कितना आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इंक्रीमेंट हो जा रहा है 18, मुझे क्या निकालना है परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंटेज निकालना होता है तो इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था 6 और इंटू 100 कर लिया, तो 6 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 100 में 3 का मल्टीप्लाई करा तो 300% की इंक्रीमेंट हो जाएगी उसकी एरिया में। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ऐसे आसानी से कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है 43 का। अगला क्वेश्चन देखिए 44। में गिवन है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और ये कॉन्ग्रुएंट है किसके,
ई एफ डी के, किसी ट्रायंगल ई एफ डी के ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ई एफ डी। इट्स मीन यहां पे पूछा है कि ई डी किसके इक्वल होगा, ई डी ये वाली साइड किसके इक्वल होगी। तो देखो साइक्लिक चलो सीक्वेंस में, पी क्यू फिर आर, ई एफ फिर डी, ठीक है। तो आर के बाद फिर पी चले, मतलब यहां पे मेरा इन्होंने पूछा क्या है, ईडी पूछा है। तो ईडी ये वाली लेंथ किसके बराबर करेस्पॉन्डिंग हो जाएगी, पी आर के, ये हो जाएगा आपका पी आर ऑप्शन सी। क्लियर, आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। यहां पे ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में गिवन है कि एसी बाइसेक्टर है बी ए डी का और ए बी की लेंथ 3 है। आपको फाइंड किसकी लेंथ पता करनी है, आपको सी डी की लेंथ निकालनी है, जबकि एडी की लेंथ भी, एसी की लेंथ भी दी हुई है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को देखें तो इस वाले ट्रायंगल में अगर बीसी की लेंथ मैं फाइंड करूं तो ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सबसे बड़ी वाली साइड 5 है और ये 3 है तो पाइथागोरियल ट्रिपलेट 5 3 4 होती है, 5 4 3, तो ये आपका हो जाएगा 4, बीसी हो गया 4। जबकि इन्होंने क्या पूछा है, बीसी नहीं पूछा है, सीडी पूछा है। तो अगर दो ट्रायंगल में दो साइड्स को कंपेयर करना हो तो इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करें, कॉन्ग्रुएंट देखें है क्या। तो यहां पे देखो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक, तो एंगल की बात हो गई, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, 90 90 के इक्वल हो जाएगा, तो फिर एंगल आ गया, क्लियर। और अगर मैं साइड एसी की बात करूं तो एसी साइड दोनों में कॉमन है तो यहां पर साइड आ गया। तो एंगल, एंगल साइड की क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और अगर जब ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो सीडी की लेंथ भी जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। हाँ जी, 46 में गिवन है कि ये फिगर दिया, इसमें बोला है कि y की वैल्यू आप बताओ x के टर्म में, वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में ये दो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है ना जी। तो हमको पता है ट्रायंगल में 2 इंटीरियर एंगल का सम 3rd एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो मैं अगर इसको निकालूं तो ये 3x और प्लस x इसके बराबर होगा, मींस 4x, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 4x, क्लियर। अब देखो, फिर अब इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखूं ये और ये दो इंटीरियर एंगल और इनका एक्सटीरियर एंगल क्या, 3y, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए अगर मैं इस ट्रायंगल में, क्योंकि इसका ये एक्सटीरियर है। तो यहां पे 4x प्लस y ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3y के। इस y को उधर ले जाएंगे तो 4x इज इक्वल टू 3y माइनस y, या 2y इज इक्वल टू 4x, या y इज इक्वल टू कितना, 2 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 2x। तो वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x इज व्हाट, 2x। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एबीसी कोई ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल एबीसी पहले बना ही लेते हैं। एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एंड रे ए एक्स बाइसेक्ट द एक्सटीरियर एंगल डी ए सी, डी ए सी, डी ए सी मतलब इधर कहीं ऐसे इसको बढ़ाऊं तो यहां कहीं डी हो जाएगा, ठीक, डी ए सी, इसको कोई रे ए एक्स है, ए एक्स कोई रे है जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसने दे रखा है कि एंगल डी ए एक्स की वैल्यू 70 डिग्री है,
डी ए एक्स मतलब ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा बिकॉज बोथ आर इक्वल। ठीक है, पूछा क्या है, एबीसी पूछा है, ए बी सी पूछा है। तो अगर ये 70 ये 70 और मान लो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों एक्स और एक्स हैं, तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाया इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा, तो मींस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 70 प्लस 70 140, सो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 140, देयरफॉर x इज इक्वल टू आल्सो 70 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन आल्सो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 48 इट इज सेइंग दैट 2k माइनस 2 एंड k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x माइनस 9y इज इक्वल टू 12, देन k की वैल्यू बतानी है। तो जब भी कोई पॉइंट किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो वह उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मींस इक्वेशन है आपका 10x माइनस 9y इज इक्वल टू 12, एक्स के जगह पे मेरे को क्या पुट करना है, ये पहली वाली वैल्यू 2k माइनस 2, तो 10 इंटू 2k माइनस 2 एंड माइनस 9, वाई के जगह पे क्या पुट करनी है, दूसरी वाली वैल्यू विच इज के, तो k इज इक्वल टू 12, 10 टू जा 20k माइनस 20 माइनस 9k इज इक्वल टू 12, यहां पे 20k में से 9k सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 11k, इस माइनस 20 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा, तो 12 प्लस 20, k इज इक्वल टू 12 और 20 कितना होता है 22 अपॉन 11, 11 से डिवाइड कर लेंगे तो k इक्वल टू 2 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, k इज इक्वल टू 2, b इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस 3 इक्वल टू 12 कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, देन द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल एओबी, कोऑर्डिनेट एक्सिस को इसका ग्राफ अगर कट करता है, तो अगर ये ग्राफ का हमको पॉइंट निकालना हो, जैसे मान लो ये अगर इस पॉइंट इसमें आपको पता है एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो अगर वाई के प्लेस पे जीरो पुट करूं तो 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, सो 4x इक्वल टू 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, मतलब ये लाइन x इज इक्वल टू 3 पे कट करेगी, तो 1, 2, 3 यहां कहीं पहली लाइन हो जाएगी 3, 0। ठीक, इसी तरह से y एक्सिस पर x की वैल्यू जीरो होती है, तो अगर x की वैल्यू जीरो हम रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां जीरो रखेंगे तो 4 × 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, सो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4, y एक्सिस 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया आपका यहां 0, 4 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, लाइन कुछ यूं ऐसे पास कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को बी पर, और ये ओरिजिन ओ है। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस आपको बताना है, तो ये देखो ये 1, 2, 3 मतलब ये डिस्टेंस 3 हो गई, 1, 2, 4 मतलब ये डिस्टेंस 4 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये अगेन 5 मिल जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो गया 5, सो सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन, 3 - 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ के, तो के इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखना है 3, तो के इंटू 3 एंड -3 × y के प्लेस पे अगेन -3 एंड इजी +4, ये सब कितना 0 के बराबर होना चाहिए, तो आपने रखा तो 3 जा कितना +9 एंड +4 इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो -13 हो जाएगा, k इक्वल टू कितना -13/3। ठीक, तो यहां से आपको कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा, डी, डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।
हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जय गौर एंड आई एम योर रीजनिंग एडुकेटर। आज हम डिस्कस करेंगे एम स्टार का जो क्लास 9th का पेपर हुआ था मेंटल एबिलिटी सेक्शन को, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे 51 से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। हमें ट्रायंगल काउंट करने हैं, तो चलिए काउंट कर लेते हैं। ट्रायंगल काउंट करने के कई तरीके हैं, बेसिक रूल भी है और अब डायरेक्टली भी हम जो है ट्रिक से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, 16 है। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है 16 आ जाए, जहां पर हम रुक जाएंगे वही आंसर बन जाएगा। तो देखिए 1 2, ये तो हमें बहुत क्लियर दिखा है। अच्छा, और ये 1 और 2 का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 एंड 2 का कॉम्बिनेशन। देन अगेन 1 3 ट्रायंगल हो चुके हैं, 1 2, इस 1 एंड 2 का कॉम्बिनेशन फिर होगा तो फिर से 3 मिलेगा, 1 एंड 2 दोनों का कॉम्बिनेशन 3, तो 3 3 9 9 ट्रायंगल हमें मिल गया। देन सबसे बिगर वाले को देखेंगे, सबसे बिगर वाले को देखेंगे, देखो इस वाले सेक्शन को 1 एंड 2, और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन अगेन 3। ठीक है, ये यूज हो चुका है, यहां पर हम ऐड कर रहे हैं 9 और 3 12 हो चुका है। अच्छा, तो अब 12 हो चुका है, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूं, हमने 12 काउंट कर लिया है। अब और काउंट करना है हमें, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला सेक्शन ये हो गया 13 और ये हो गया 14, तो 14 तो हमने अभी तक काउंट कर ही लिया है। अब हम देखेंगे 13 के बाद डायरेक्टली 16 ऑप्शन गिवन है, तो क्या और आगे काउंट करें, काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जो है ऑप्शन टिक कर सकते हैं ए। ठीक है, 100% 14 के बाद 16 हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, हाउ मेनी क्यूब्स आर अनसीन इन द फिगर। हमें यहां पर वो काउंट करना है जो दिख नहीं रहा है, अनसीन है, तो उसके लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस डायग्राम में कितने क्यूब हैं। टोटल क्यूब हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, टोटल क्यूब। तो बेस में देखेंगे 1 2 3 लाइन इधर है, 1 2 3 लाइन इधर है, तो ओवरऑल बेस में कितने क्यूब हो जाएंगे, 9 3 3 9, तो यहां पर हमें बेस में मिला 9। ठीक है, टोटल हो गया 9। अब बेस के ऊपर हम देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 तो हमें ये दिख रहा है, और ये 4 जिसके ऊपर रखा हुआ है उसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमने क्या निकाला, अभी टोटल निकाला, टोटल। तो कई बच्चों ने 15 टिक किया होगा, तो गलत है, ये तो टोटल है, हमें निकालना था अनसीन, जो नहीं दिख रहे हैं। तो अब हम देखेंगे ये टोटल में से हमें कितना विजिबल है, तो चलिए विजिबल वाले को काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, जिसको मैंने राइट टिक किया है वो तो हमें दिख रहे हैं, तो टोटल में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो 5 हमें वो ब्लॉक्स हैं जो नहीं दिख रहे हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच कलर इज अपोजिट टू रेड, क्यूब का क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें रेड के अपोजिट में कौन सा कलर है उसको फाइंड करना है। तो जब भी हम क्यूब को सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता होता है कि जब भी क्यूब सॉल्व होता है तो वो दो टेक्निक से होता है। क्यूब कितने टेक्निक से सॉल्व होता है, दो टेक्निक से। जो क्यूब गिवन होता है, या तो वो स्टैंडर्ड होता है या क्या होता है, जनरल होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड जहां पर नंबर दिया हो, न्यूमेरिक फॉर्म में आया हो और उनका एडिशन 7 आता हो या ना आता हो, नंबर के फॉर्म में। लेकिन जनरल कोई नेम दे दिया है, कोई कलर नेम दे दिया है, कोई भी थिंग्स दे दे, तो जनरल होता है। और जनरल को सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे रेड, हमको क्या सर्च करना है, रेड। तो हम देखेंगे कि रेड के जो नेबर्स हैं वो क्या क्या है, ब्लू और पिंक है। रेड के नेबर्स क्या है, ब्लू और पिंक है। तो और देखेंगे कि ये ब्लू और पिंक कहां पर लिखे हुए हैं, ब्लू और पिंक कहां पर लिखे हुए, यहां पर। तो जब भी जनरल डाइस को सॉल्व करते हैं, जनरल डाइस है ये, न्यूमेरिक फॉर्म में होता तो ज्यादातर वो स्टैंडर्ड डाइस कंसिडर होता है, लेकिन ये जनरल डाइस है। तो ब्लू और पिंक, यहां पर भी ब्लू और पिंक है। जब एक डाइस में कोई 3 फेसेस है, उसमें से कोई 2 वैल्यूज या कोई 2 नेम कॉमन हो, जैसे कि यहाँ ब्लू और पिंक है, यहाँ ब्लू और पिंक है, जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट कौन कौन सा है, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पर रेड है और यहाँ पर ब्लैक है। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये जनरल डाइस का रूल होता है। क्या रूल होता है, 2 फेसेस कॉमन हो, ब्लू पिंक यहां पर है, तो जो रिमेनिंग फेसेस है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो रेड के अपोजिट में क्या हो जाएगा, ब्लैक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। ठीक है, यहां पर कुछ लेटर्स लिखा है NOITCL, उसको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सेलेक्शन, यानी जो है रिवर्स ऑर्डर में एक मीनिंगफुल वर्ड बन जा रहा है, मीनिंगलेस वर्ड से मीनिंगफुल बन जा रहा है। तो यहां पर जो मीनिंगलेस दिया हुआ है, इससे हमें मीनिंगफुल बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए
हम अगर सिलेक्शन को देखें तो यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आ रहा है एस, देन क्या आ रहा है ई, तो देखिए देन एल, फिर ई, एल, ई, सी, तो ये जो है रिवर्स ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, तो क्या बनेगा सिलेक्शन। सिमिलर आप इसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिखिए इस तरीके से, चलिए तो पहले क्या आएगा आई, फिर क्या आएगा एन, हम राइट टू लेफ्ट रीड कर रहे हैं ठीक है यहां पर इसके अकॉर्डिंग, एन के बाद डी, देन आई और ए, तो सिंपल है ऑप्शन क्या हो गया इंडिया हो गया, तो कहां पर दिया हुआ है बी में दिया हुआ है, बी हमारा सही हो जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज द कोड ऑफ एंट्री, एंट्री का कोड दिया हुआ है क्या, न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हुआ है, न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हुआ है, फिर स्टडी कोड दिया हुआ है न्यूमेरिक फॉर्म में, हमें क्या सर्च करना है ठीक है अरेस्ट को सर्च करना है, तो हम देखेंगे यहां पर एंट्री में 5 लेटर हैं और नंबर भी यहां पर 5 है ठीक है, स्टडी में यहां पर 6 लेटर्स हैं, यहां पर 6 नंबर है, तो स्टडी में और एंट्री में दोनों में कॉमन क्या है, एक लेटर कॉमन दिख रहा है ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा कॉमन है, ई, यहां पर भी ई है, यहां पर भी ई है, ये फर्स्ट पोजिशन पे, यहां पर फर्स्ट क्या है नंबर 1 है, ये थर्ड पोजीशन पे, यहां पर थर्ड क्या है 1 है, मतलब क्या सीखा हमने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो नंबर उसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सेकंड को कर रहा है, तो सिंपली हम अरेस्ट को सॉल्व करेंगे, ए, ए कहां से मिलेगा हमें, एंट्री या स्टडी से, तो देखिए यहां पर मिलेगा लास्ट थर्ड, लास्ट थर्ड क्या है 7 है, चलिए क्लियर दिखाता हूं मैं, यहां पर देखिए ए, यहां पर 7, तो हो गया 7, देन आर, तो आर हमें एंट्री में दिख रहा है सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट नंबर क्या है उसका 4, क्योंकि 2 टाइम्स आर है तो 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 744, देन आफ्टर ई, तो एंट्री का फर्स्ट लेटर ई है, उसका कोड यहां पर 1 है, देन 1, 7441, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हमने देखा एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है 7441, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इससे हमारा टाइम बच जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, तो क्वेश्चन क्या है रीड करेंगे इसको, विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, तो कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, इनको हमें एक सीक्वेंस में जमाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो पहले हम अपने साइड से जमा के देखते हैं, जनरली जब क्या होता है एक्सीडेंट होता है पहले ठीक है, एक्सीडेंट होता है, ऐसा तो नहीं है कि हम डॉक्टर के पास गए उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ हमारा तो एक्सीडेंट होने के बाद हम अपनी लाइफ को सेव करने के सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं ठीक है, तो डॉक्टर के पास हम जाएंगे इसका मतलब कि 3, फिर डॉक्टर देखेगा कि ये तो एक्सीडेंटल केस है तो पहले पुलिस को बुलाता है ठीक है, ट्रीटमेंट करने के बाद किसको बुलाएगा, पुलिस को बुलाएगा, जब पुलिस आएगी तो पुलिस के बाद कौन आएगा, लॉयर आएगा, फिर अपने आप को बचाने के लिए हम किसको बुलाते हैं, लॉयर को बुलाते हैं, और फिर लॉयर हमें कहाँ ले जाता है, जज के बाद ले जाता है, तो लास्ट में क्या आएगा 2, सिक्वेंस मैच करेंगे 13542 ऑप्शन बी ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 ठीक है, चलिए तो इसको रीड करेंगे, अ वर्ड हैज बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स वन ऑफ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यहां पर ध्यान देना है हम लोगों को, कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी यहां पर एक वर्ड दिया है, क्या दिया है फोटोसिंथेटिक, अब हमसे हमें जो है इनमें से एक वर्ड ऐसा देखना है जो बनाया ना जा सके, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो देखिए पहले वाले को अगर देखेंगे हम टी एच ओ एस ई, तो यहां पर टी है, यहां पर एच है, यहां पर ओ है, एस है और ई है, तो इस फोटो सिंथेटिक से हम ये दोस्त बना सकते हैं, क्या नहीं बनाना है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया, कैन नॉट बी फॉर्म ढूंढना है, तो सी नहीं बना सकते, पूछेंगे आप सर क्यों, क्योंकि सी में आया है आर, प्रॉन में सेकेंड वर्ड क्या है आर है, और हमारे फोटो सिंथेटिक में कहीं आर दिख रहा है क्या, नहीं है, तो उसको कैसे बनाया जा सकता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, कैन नॉट हमें ढूंढना था हमें मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को, 58 नंबर, हाउ मेनी सेवंस, हमें 7 को ढूंढना है, चलिए ठीक है ढूंढेंगे, द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ नंबर्स आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 6, हमें ऐसे 7 को ढूंढना है जिनके ठीक पहले क्या हो, प्रिसीडेड मतलब होता है पहले, 6 हो ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 8, लेकिन उसके बाद में क्या नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, 6 होना चाहिए 8 नहीं होना चाहिए, फॉलोड मतलब होता है बाद में नेक्स्ट वाला, तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले हम 7 को हाईलाइट करेंगे, 1 7 2 7 3 7, भाई किसके पहले 6 है, तो ये इस 7 के पहले 6 है ठीक है, इस 7 के पहले 6 है ये दोनों,
लेकिन यहाँ पर इसके पहले है क्या? नहीं है। अच्छा, बाद में 8 नहीं होना चाहिए, बाद में 8 नहीं होना चाहिए, तो हम देखेंगे इस वाले में 7 के बाद 8 है, इसको हम कट कर देंगे। यहां पर देखिए 7 के पहले 6 है, बाद में 8 नहीं होना चाहिए, तो केवल हमें एक पेयर मिला तो हम टिक करेंगे ओनली फर्स्ट ऑप्शन, एक ही पेयर है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग, सीरीज है लेटर्स की, फाइंड द मिसिंग लेटर्स ऑब्लिक नंबर बियर नंबर्स इन द सीरीज। तो यहां पे हमको सीरीज ढूंढना है, तो आप सिंपल लेटर्स को देख लेते हैं क्या हो रहा है। तीन तीन लेटर का यहां पर ग्रुप है, पहला लेटर क्या है? एस है। हम नेक्स्ट वाले पे चलेंगे, फिर टी है, तो भाई एस के बाद टी आता है हम जानते हैं, ठीक है। टी के बाद क्या है? यू है। हाँ, तो टी के बाद यू आता है, तो यू के बाद क्या आएगा? वी आता है, तो हम वी लिख लेंगे। और अगर वी के बाद हम देखते हैं तो डब्ल्यू आता है, ऑफकोर्स डब्ल्यू लिखा है, ठीक है। फिर सी डी एंड ई एफ, देखो सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, जी एच के बाद क्या आएगा? आई और जे। सिंपली आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेटर्स को रीड कर लेना है, तो वी आई जे कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग यहां पर टिक कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। यहां पर भी नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, बी थ्री और पी, तो हम देखेंगे बी से हम कहां पर गए? सी पे। सी से कहां पर गए? डी पे, आफ्टर ई, ठीक है। ई के बाद क्या आएगा? एफ, बहुत सिंपल है, बी सी डी ई एफ, ठीक है। देन थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर टू जा फोर्टी एट, सब में दो का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ऐसे दो ऑप्शन है। एफ 48 कहीं पर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है भाई, दो जगह है। अगला भी देखेंगे, पी से हम आर पर गए, तो बच्चों पी की वैल्यू 16, आर की वैल्यू 18, दो लेटर हम फॉरवर्ड गए हैं। आर से हम 20 पर गए, दो लेटर फॉरवर्ड हो गया, टी 20 होता है, आर 18 होता है, तो टी के बाद दो लेटर जब हम उसमें ऐड करेंगे, दो नंबर ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 22 मिलेगा। 22 का मतलब क्या होता है? 22 का मतलब होता है वी, ठीक है, टी 20, सॉरी अभी अगला यहां पर वी आ गया, ठीक है। अब वी के बाद हमें आंसर मिलेगा, बी के बाद आंसर मिलेगा हम लोगों को, तो बी कितना होता है? बी 22 होता है, और जब इसमें हम 2 ऐड करेंगे 24 आएगा, 24 मतलब x आएगा, तो ऑप्शन में देखेंगे हम तो ए ऑप्शन यहां पर हमें नजर आ जाएगा, ठीक है।